लोगों के साथ हो रही साइबर ठगी में अब बैंक अधिकारियों की भूमिका भी मिलने लगी है। पुलिस की माने तो साइबर ठगी की नींव ही अब बैंक अधिकारी रखने लगे हैं। इसका खुलासा हाल ही में गिरफ्तार हुए 3 साइबर ठगों ने किया है। गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों में से एक बैंक मैनेजर है तो दूसरा बैंक में सेल्स मैनेजर है, वही तीसरा साथी भी बैंक में ही कार्यरत है। आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस अभी उस मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी करने में कामयाब नहीं हुई है जो लोगों को अपने जाल में फंसाता था। पकड़े गए यह आरोपी वह है जो लोगों से ठगी हुई राशि को लेने के लिए साइबर ठगों को बैंक खाते उपलब्ध कराते थे। दरअसल अप्रैल 2023 में एक व्यक्ति को फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताया और उसके द्वारा फेडेक्स के माध्यम से भेजे गए पार्सल में अवैध सामान होने की बात कहकर उसे डराया गया और उससे करीब 9,52,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। इसकी शिकायत जब साइबर थाना ईस्ट पुलिस को दी गई तो पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि मोहम्मद मुकीम यस बैंक की लाजपत नगर दिल्ली ब्रांच में मैनेजर है और उसने अपने रिश्तेदार का फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक खाता खुलवाया था। मोहम्मद मुकीम के कहने पर सेल्स मैनेजर रोशन कुमार व बैंक कर्मचारी अनिकेश ने यह खाता खोला था। इस खाते में खोलने की एवज में 2,00,000 रुपए भी मिले थे। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ करने के साथ ही बैंक के आला अधिकारियों से इन तीनों के कार्यकाल के दौरान खोले गए बैंक खातों की जानकारी भी मांगी है। इसके साथ ही इन बैंक खातों में हुए ट्रांजैक्शन की भी जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में दिनांक 12 अप्रैल 2023 को साइबर ईस्ट पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट हमें प्राप्त होती है जिसमें कंप्लेनेंट क्लेम करते हैं कि उनसे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फेडेक्स पार्सल के नाम पर ठगी हुई है, जिसमें पुलिस के अधिकारी बनकर उनसे 9,52,000 रुपये तकरीबन डिजिटली ठगे गए। इसमें साइबर ईस्ट पुलिस स्टेशन की टीम इंस्पेक्टर SHO जसवीर की अगुवाई में सारी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करके जिस खाते में 1,52,000 रुपये गए थे उस खाता धारक से पूछताछ करने पे हमें पता चला कि इसमें यस बैंक के कुछ कर्मचारी इन्वॉल्व हैं जिनकी 2 मार्च 2024 को गिरफ्तारी हुई। अभी तक कुल 3 गिरफ्तारी की गई हैं जिनकी पहचान मोहम्मद मुकीम निवासी गांव राजवीर मेडिकल बजरिया हाल फिलहाल ओखला बिहार दिल्ली, अनिकेश निवासी बेगूसराय बिहार, रोशन कुमार निवासी मुजफ्फरपुर बिहार के नाम पर। ये तीनों कौन हैं और इनकी जो पोस्टिंग है वो बैंक से क्या रिलेशन है? ये तीनों के तीनों व्यक्ति यस बैंक में एम्प्लॉयज हैं, जिसमें से अनिकेश एवं रोशन कुमार पर सेल्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं और मोहम्मद मुकीम बैंक मैनेजर के पद पर अभी फिलहाल लाजपत नगर की यस बैंक के बैंक मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं। सर क्या इन्वॉल्वमेंट इनकी है एज अ एम्प्लॉई? इसमें इनकी ये इन्वॉल्वमेंट पाई गई कि इन्होंने एक फर्जी दस्तावेजों के बिहाफ पर एक करंट अकाउंट खोला और वो आगे एक साइबर ठग को प्रोवाइड किया है, जिसके बदले इनको कुछ रेमुनरेशन भी मिले और वो आगे जो खाता प्रोवाइड किया गया उसमें हमारे ठगी की राशि आई और उसमें आगे जितनी भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसमें आगे और क्लियर होती जाए। सर जो साइबर ठग है उसका कौन से बैंक से रिलेशन है और कितने रुपए उसने खाता? इसमें जो भी साइबर ठग जो इसका नाम आगे आया है उसका मोहम्मद मुकीम से एक रिलेशन था, जिसमें उसने ये करंट अकाउंट खुलवाने के नाम पर 2,00,000 रुपये दिए गए थे और ये 2,00,000 रुपये आगे मोहम्मद अपने बैंक कर्मचारी जिनकी पहचान अनिकेश एवं रोशन के रूप में भी है उनको भी इसमें शेयर वगैरह प्रोवाइड किया। क्या कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं? इसमें जितने भी बैंक अकाउंट्स इसमें इन 3 एम्प्लॉयज द्वारा खुलवाए गए हैं उनकी पुलिस साइबर पुलिस जांच कर रही है एवं हमने यस बैंक से भी इसमें उनका ऑफिशियल रिप्लाई मांगा है। इसमें से कितने खाते को अगर
फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया गया, उसकी पूरी जांच की जाएगी।